अधिकार भेटल पाहिजे। सरकार कुछ कहना चाहिए की 8 DP रोड का जो दीवार तोड़ा गया है ठाकुरगढ़ी से लोकुंडा लगा जोड़ने वाला दीवार, तो उसपे सारे एक पक्ष जो विद्रोह कर रहा है, विरोध कर रहा है उस चीज का, और एक पक्ष उस चीज के लिए खुश है, आपको क्या कहना है उसके बारे में? नहीं, जो ठाकुर विलेज से लोखंड वाला जोड़ने को डीपी रोड है, ये डीपी रोड बहुत पुराने डीपी प्लान में रोड था, महिंद्रा कंपनी जब स्थापना हुई तब से था, और उस रोड को महिंद्रा कंपनी ने कब्जा में लिया रखा था, किसी को भी जानकारी नहीं थी। जब 2012 में डॉक्टर जनता यादव नगर सेविका चुन के आई उस वार्ड से, ठाकुर सिंह स्टेट दामूपाड़ा और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स का आधा पोर्शन था, जो कांदिवली जाने के लिए की रास्ता था, ट्रैफिक की समस्या होती थी, उसके लिए वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता, दूसरा रास्ता क्या हो सकता था, ये ढूंढा जाए कि ट्रैफिक की समस्या से निदान मिले, समाधान हो ट्रैफिक का। तो उसमें फिर जाके पता चला कि ठाकुर विलेज से लोखंडवाला जोड़ने को रास्ता है, और उस रास्ते से लोगों को इतना आराम हो जाएगा कि कोई उसकी लिमिट नहीं रहेगी। उसके बाद उस रोड को देखा गया, महिंद्रा कंपनी के कब्जे में था, उसकी मीटिंग लगाई गई, उस समय 2012 से इस काम की शुरुआत की गई, 2012 के नवंबर या दिसंबर से शुरुआत हुई है, मेरे को एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर से शुरुआत हुई है, और फिर उसका कॉर्पोरेशन में लेटर दिया गया, कमिश्नर के यहाँ लेटर दिया गया, DCP के यहाँ लेटर दिया गया। उस समय हमारे आमदार ठाकुर रमेश सिंह थे और खासदार संजय निरुपम जी थे, तो उस समय सबसे बातचीत करके काम शुरुआत किया गया। जो डीपी रोड जाता था उस पर SD कॉर्पोरेशन ने ट्रांजिट बनाया हुआ था, काफी सारी समस्या थी, और महिंद्रा जी से कंपनी से लेना एक बड़ी कठिन समस्या थी। फिर उसके अलावा भी वो प्राइवेट फॉरेस्ट करके डिक्लेयर था, तो इस सब चीजों को देखते हुए हमने उस रोड की शुरुआत किया। जनता जी ने उसके कमिश्नर के यहाँ मीटिंग लगवाई, चालू हुआ प्रोसेस, डीपी रिमार्क लेने की बात आई, डीपी रिमार्क लिया गया, आप रोड देखा गया, यहाँ से वहाँ से कैसे जा सकते हैं, पूरा उसका सर्वे हुआ। सर्वे होने के जाने के बाद प्राइवेट फॉरेस्ट डिलीट कैसे किया, पाटिल साहब उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उनके यहाँ मीटिंग लगी, उस मीटिंग में फॉरेस्ट के एक ऑफिस यहाँ थाना में 3 हाथ नाका, वहाँ से उनके ऑफिसर आए, पूरा सर्वे हुआ और प्राइवेट फॉरेस्ट डिलीट करने का काम हुआ, क्योंकि आगे का भी रोड था। फिर आता था SD कॉर्पोरेशन को, महिंद्रा कंपनी बोलती थी SD कॉर्पोरेशन ट्रांजिट बनाया हुआ है तो क्या, फिर SD कॉर्पोरेशन से लड़ना पड़ा, SD कॉर्पोरेशन स्टे लेके आया कोर्ट में जाके, फिर उसका स्टे वैकेंट हुआ, उस स्टे को उसने ट्रांजिट हटाने का काम किया। उसके बाद महिंद्रा कंपनी उस रोड को देने को तैयार नहीं था, आनाकानी करते रहते थे, टाइम पास करने की बात होती थी। उसके बाद अजय मेहता जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उनके यहाँ 2-3 बार मीटिंग लगाई गई, फिर अजय मेहता जी ने खुद आनंद महिंद्रा को जाके फोन किया, कहा कि आप उस रोड को हैंड ओवर करो और उस रोड को दो, अगर आप रोड नहीं दोगे तो लोगों की तकलीफ है, फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तब जाके महिंद्रा कंपनी ने प्रोसेस चालू किया, अजंता जी के कार्यकाल में महिंद्रा कंपनी ने BMC को हैंड ओवर किया, उसका जो प्रोसेस होता है करीब उसमें 4-5 महीना चले गए। उसके बाद वहां एक नाला था, उसमें ब्रिज बनाना था, रोड बनाना था, ये सब प्रोसेस कंप्लीट करते करते 2016 आया, डॉक्टर अजंता यादव ने 2016 में वहां पे नारियल फोड़ा कि उसका रोड बनाया जाए और वहां पे ब्रिज बनाया जाए, और उस चीज को पूरा होते होते 2017 के नवंबर दिसंबर में रोड बन के तैयार हुआ होगा। फिर उनका कार्यकाल 2017 के मार्च में खत्म हुआ, मैं यहां से 2017 में चुन के हनुमान नगर में वो रोड रहा, लेकिन पूरा प्रोसेस करने में जो जो तकलीफें आई हैं, ट्रांजिट वाले का SD कॉर्पोरेशन का प्रेशर रहा, बाद में सिंह स्टेट के लोगों का जो रहवासी संघ है उनका प्रेशर रहा, उनको कहा गया भाई आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी इस पर रोड का करने का बाद, लेकिन आज कुछ लोग धमाल कर रहे हैं कि हमारे श्रेय से हुआ, हमने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रोसेस किया है 2012 से लेके 17 तक का प्रोसेस तो बताओ आपके पास क्या है, आप तो तब आमदार नहीं थे, खासदार नहीं थे, रमेश सिंह जी आमदार थे, संजय निरुपम जी खासदार थे, इस तरीके से, लेकिन ये तो है ही है, आज का जमाना है, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, और लोगों को श्रेय लेने की हमेशा आदत पड़ी रहती है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, ये BJP बोलती है डबल इंजन की सरकार, इस कांदिवली स्टेशन की ट्रिपल इंजन की सरकार थी, मुझे छोड़ के प्रभाग समिति का चेयरमैन उनका, नगर सेविका उनका, आमदार उनका, खासदार उनका, लेकिन जहां अजंता यादव ने उस रोड को छोड़ के आई थी वहीं पे पड़ा, उसके आगे एक काम पूरे 7 साल में 2017 से लेकर 2023 का चल रहा है, इस समय जुलाई महीना चल रहा है, एक काम नहीं हुआ है। तो फेलियर जब फिर से चालू हुआ,
अजंता यादव ने फिर से प्रेस किया, मोर्चा निकालने की बात हुई कारपोरेशन में, लेटर दिया कि हम इस पे धरने पे बैठेंगे, फिर ये लोग जागे जागे आज अचानक तोड़ने की बात किए दीवार। लेकिन जो दीवार तोड़ी जा रही है खाली लोगों को गुमराह करने की बात हुई है। हमारा डिमांड ये है उनको वैकल्पिक, जो वहां के लोग हैं उस तरफ के लोगों उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और पूरा रोड चालू किया जाए जिसमें से टू व्हीलर फोर व्हीलर, आज क्या बोल रहे कि खाली हम टू व्हीलर को जाने के लिए दे रहे पब्लिक जाएगी, लेकिन समस्या है जब तक पूरा रास्ता चालू नहीं होगा, कांदीवली ईस्ट के ट्रैफिक का समस्या का समाधान नहीं होगा, लोखंडवाले से कांदीवली स्टेशन जाने के लिए पीक आवर में आधा से पौना घंटा जाता है, आधा से पौना घंटा जाता है कि जाए। और दुर्भाग्य दूसरी इस बात की है कि कांदीवली स्टेशन जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रोड है जिसका नाम है अकुरली रोड, दूसरे नाम कहीं भी और जाएंगे, चाहे कांदीवली वेस्ट में जाइए, चाहे मलाड जाए, चाहे बोरीवली जाए, चाहे अंधेरी जाए, चाहे गोरेगांव जाए, हर जगह स्टेशन पे जाने के लिए दो तीन रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है जो अकुरली रोड है। इसके लिए हमारी डिमांड आज भी चालू है। आज कुछ लोग वो बोल रहे कि हमारे प्रयास, अरे भैया जब अजंता यादव 2017 में जिस रोड को जहां छोड़ के गई थी आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने काम क्या किया है 7 साल में 7 साल में काम क्या किया वो तो बताओ कि हमने लोगों को जो उनको पात्र पात्र हुए वो करके उनको वैकल्पिक जगह दिए उस बाजू का। फिर अभी एक बीच में चला एक मीटिंग थी पेपर में आया मैंने पढ़ा कि आसमान से जाएंगे फ्लाईओवर बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाओगे तो भी झोपड़े तोड़ने पड़ेंगे, घर तो तोड़ना पड़ेगा, आप घर के आसमान पे बनाओगे लटकता हुआ, लेकिन नहीं लोगों को गुमराह, चुनाव आ रहा है लोगों को गुमराह करने का काम है। हमारा डिमांड है उनको वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए और यहाँ के लोगों को रास्ता भी दी जाए। जो भी सुविधा की बात हो रही है, सुविधा की बात हो रही है नहीं कि किसी एक के लिए, सबके लिए सुविधा की बात हो रही है, विलेज के लोगों को भी फायदा मिलेगा, सिंह स्ट्रीट के भी लोगों को फायदा मिलेगा, सभी लोगों को फायदा मिले, तो उस रोड को पूरा व्यवस्थित चालू की जाए हमारी मांग है। अगर उस रोड को पूरी व्यवस्थित चालू नहीं करेंगे और लोगों और दूसरे सिंह स्टेट वालों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि चॉकलेट दिखा के चुप कराने वाला काम मत करो, गुमराह करने का काम मत करो। आज क्रेडिट बहुत जन लेने के लिए तैयार थे, मुझे पता चला है कि बहुत जन लेने के लिए वहां पे तैयार हो गए थे कि हमने किया हमने किया, 2017 के बाद क्या काम किए उसका प्रमाण के साथ आप मुझे दीजिए, मैं भरी पब्लिक में माफी मांगने के लिए तैयार हूं कि 2017 के बाद इन्होंने काम किया है इनको श्रेय जाना चाहिए, काम कोई और करे श्रेय और कोई, एक महिला पे अत्याचार, एक तो बीजेपी की तो आदत भी है, आज मणिपुर में क्या हुआ है आप लोगों ने देखा है, उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं, तो इनकी आदत है कि महिलाओं को दबाने का, उनके क्रेडिट लेने का, ये तो इनका चलते रहेगा। लेकिन अजंता यादव ने काम किया है तो काम किया है, जो मेरे मित्र साथी आप उनको बोलिए। आज कुछ लोग थे बोले नहीं मैडम आपने ही करने का काम शुरुआत किया, ऐसा भी मैंने सुना हो कि अजंता जी ने शुरुआत, लेकिन आप बोलिए ना खुले मन से बोलिए, झूठा श्रेय लेने की बात मत करिए, झूठा श्रेय मत लीजिए। 2017 के बाद मेरा एक ही सवाल है, 2017 के बाद उस रोड पे क्या काम हुआ है कांदीवली ईस्ट के जनता को बताने का काम आज सभी लोग करें, जो बोलते कि हमने किया है, जो भी बोलता हमने किया, तो आपने किया क्या है वो बताइए। रोड बनाने का काम फंड पास हुआ था, वहां पे बोर्ड लगा था, बोर्ड तोड़वाने का काम हुआ, नारियल अजंता यादव ने फोड़ा, उसका फोटो है, फोटोग्राफ है, सब है हमारे पास, ये सब हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग लिया था, पूर्ण रोड चालू होना चाहिए हमारी आज भी डिमांड है, और दूसरे तरफ उनकी भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आज फोर व्हीलर नहीं जा सकता है, आज तोड़ तो दिए किसी के प्रेशर में आके क्या आके, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरी गाड़ी जाए, लोगों को सुख शांति से रहे, ये हमारा डिमांड है।